वेलकम बैक। आज हम बात कर रहे हैं एक्सेल टिप्स एंड ट्रिक की। और आज के इस वीडियो में हम टिप्स एंड ट्रिक की क्या बात करेंगे, वो चलिए एक्सेल सीट में चल के देखते हैं। तो ये मेरा एक्सेल का सीट है जिसके अंदर हम आज बात करेंगे कि जो ब्लैंक सेल है, इस ब्लैंक सेल को हम कैसे सेलेक्ट करें ऑल को। और सेकंड जो हम बात करेंगे इसमें, वो हम बात करेंगे कि कैसे हाईलाइट करें ब्लैंक सेल को। और थर्ड जो हम बात करेंगे कि जो ब्लैंक सेल है उसको कैसे फिल करें। तो सबसे पहले सेलेक्ट करना जानते हैं। पहले हम अपना ये जो डेटाबेस है इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। और सेलेक्ट करने के बाद इसमें से जो ब्लैंक सेल है वो कैसे सेलेक्ट होगा, तो उसके लिए हम इसको सेलेक्ट करने के बाद होम टैब में फाइंड एंड जो सेलेक्ट का ऑप्शन है इसमें जाएंगे। यहाँ से आप गो टू में जाएंगे और गो टू से स्पेशल जो लिखा हुआ है इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ से ब्लैंक कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ से फाइंड एंड सेलेक्ट से जाके गो टू स्पेशल का ऑप्शन है इससे ले सकते हैं ब्लैंक। या जो गो टू का शॉर्टकट की होता है वो F5 होता है। आप अपने कीबोर्ड से F5 दबाएंगे तो ये वाला कमांड रन होगा। इसके बाद आप स्पेशल पे क्लिक करेंगे, स्पेशल पे क्लिक करके आप ब्लैंक पे क्लिक करेंगे, ब्लैंक्स और ओके करेंगे, तो जितना भी ब्लैंक सेल होगा वो सारा सेलेक्ट हो जाएगा फर्स्ट पॉइंट के हिसाब से। सेकेंड पॉइंट में हम हाईलाइट करेंगे तो यहाँ से जो फिल कलर है यहाँ से फिल कर देंगे तो वो फिल हो जाएगा ब्लैंक जो भी सेल है आपका। उसके बाद फिल करने के बाद हम कुछ डेटा डालना चाहते हैं अगर ब्लैंक सेल में, तो हम डेटा डाल सकते हैं। जैसे हम स्टार डालना चाहते हैं, जिसमें डेटा नहीं है उसके अंदर स्टार मार्क्स दिखाई दे, स्ट्रिक मार्क दिखाई दे, तो हम एक में तो डाल लिए, सारा सेल सिलेक्ट रहेगा। उसके बाद हम चाहते हैं कि सब में वो आ जाए डेटा, तो कंट्रोल के साथ इंटर प्रेस करना होगा आपको एक बार, तो ये सारा डेटा सब में फिल हो जाएगा, आप देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले टिप्स के साथ।